नमस्कार, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गाइस देखो, सुबह सुबह आज फिर से मंदिर आ गए है शिव जी की। चलो आज भी पहला अभिषेक अपन ही कराएंगे। देखो चिड़ियों की आवाज़ भी गई सुबह सुबह, तो चलो यहाँ पर भी अपन दर्शन कर लेते हैं। और आप लोगों को मैं दक्षिणेश्वरी मंदिर लेके जाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे तो आप लोग को पता चलेगा अपने हैदराबाद में तेलंगाना में भी दक्षिणेश्वरी मंदिर है बोल के। तो चलो जल्दी जल्दी यहाँ पर अभिषेक कर लेते हैं, फिर अपन लोग फिर यहाँ से वहाँ मंदिर निकल के जाते हैं। देखो हम लोग पूजा करके मंदिर से घर आ गए। चलो अब अपन दक्षिणेश्वरी मंदिर चलते। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे तो आप लोगों को पता चलेगा दक्षिणेश्वरी मंदिर अपने हैदराबाद में भी कहाँ पर है। तो चलो अपनी कार भी रेडी है, मैं बस हमारे पति देव जी कार्तिका तो कॉलेज है, तो चलो अपन अभी निकलते हैं। देखो बस हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। अभी कितनी दूर है? अभी 5 किलोमीटर है। तो अभी 5 किलोमीटर है गाइस, 5 किलोमीटर में अपन जाएंगे और मंदिर भी 8 बजे खुलेगी। वो जाने के बाद अपन गए तक मंदिर भी खुल जाती है, आराम से दर्शन कर सकते हैं। देखो फाइनली हम लोग पहुंच गए दक्षिणेश्वरी मंदिर के पास। तो चलिए अभी दर्शन करते और अपन नहीं पहुंच गए नहीं दक्षिणेश्वरी मंदिर। अब कलकत्ता भी जा सकते नहीं, ज्यादा एज वाले अगर नहीं जाए पाए, अगर ना जा पाए तो वो लोग यहाँ पर आके दक्षिणेश्वरी के दर्शन कर सकते। तो चलो अभी अपन चलते अंदर। इधर देखो गाइस, जैसा दक्षिणेश्वरी के पास गंगा नदी बहती है ना, यहाँ पर भी छोटी सी देखो, देख रहे हो ना। बस हम लोग जल्दी पहुंच गए, अभी 10 मिनट बाकी है मंदिर खुलने के लिए। फिर मंदिर खुलती है, अंदर चलते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। ये देखो गाइस टाइमिंग 8 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम में 3 बजे से 8 बजे तक। तो हम लोग 10 मिनट जल्दी आ गए ना, चलो 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं फिर मंदिर के अंदर। इधर देखो गौ माता, गौ माता भी दर्शन करने के लिए आए, वो भी वेट कर रहे देखो हमारे साथ में। जल्दी गेट खोलो बोल रहे, वो भी दर्शन करने के लिए। देखो गैस उसकी माँ के लिए कर रही थी, वो उसकी माँ वहाँ पर है। और ये देखो, देख रहे हो ना दोनों, देखो उसके माँ के पास गई वो। तो गैस अभी मंदिर खुलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग सोचे चलो जब तक मंदिर का आस पास बहुत सारी मूर्तियाँ हैं गैस, सारी मंदिर आपको घुमा दे फिर उसके बाद में दर्शन करेंगे। क्योंकि पंडित जी बोल रहे हैं अभी माता जी का मतलब साफ सफाई हो रही है, तो उसके बाद आप लोग दर्शन कीजिए बोल के। तो इसलिए हम लोग सोचे चलो मंदिर के आस पास थोड़ा घूम लेते हैं, फिर उसके बाद दर्शन करने चलते। हर गैस यहाँ पर बंगाली चे पंडित जी भी बंगाली चे, पूजा पाठ साफ सफाई जो भी करने वाले सारे बंगाली चे। ये वाले मंदिर जैसा बद्रीनाथ में उत्तराखंड वाले थे सारे लोग, तो दक्षिणेश्वरी में कलकत्ता में तो सारे बंगाली होते, तो ये वाले दक्षिणेश्वरी मंदिर में भी सारे बंगाली पूरे बंगाली लोग सारे बनाए से बनाए। तो चलो अभी अपन मंदिर में आप लोगों को घुमा देती हूँ मंदिर के आस पास। ये मंदिर का गेट इधर से आते कि ये सारे मंदिर हैं, वो तो मेन माता जी का मंदिर है। अभी बस साफ सफाई चल रही है, यहाँ पर आपको सामने कान्हा जी मिल जाएंगे। और चलो मैं आप लोगों को घुमाती हूँ, मैं गौ माता जी भी है यहाँ पर।
तो गाइस देखो फाइनली हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। हम लोग ही पहले आए थे मंदिर, मतलब सब साफ सफाई करके करने के लिए थोड़ा लेट हो गई, मगर कोई बात नहीं, एकदम मस्त वाले दर्शन हुए। अगर आप लोगों को भी ऐसी दर्शन होना है तो आप लोग जल्दी से माता जी के दरबार में आ जाइए। शमशाबाद में ही मंदिर, आप लोग मैं गूगल में सर्च करके आ जा सकते हो यहाँ पर आराम से। तो यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, चलो उन्हीं के भी दर्शन करते। मगर इतना अच्छा लगा गाइस, अपना गोत्र नाम सब लेके पूजा हुई, क्योंकि हमें तो कलकत्ता में तो ये सारे पूजा करने के लिए तो मिलता ही नहीं, सिर्फ जाओ हाथ जोड़ लो आ जाओ, बस उतना ही मिलेगा अपने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर तो आराम से दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर खुल के भी 3 साल हो रहे हैं, हमें तो अभी पता, मतलब अभी नहीं कुछ दिन से पता चला है, हम लोग आएंगे सोच रहे आ नहीं पाए, तो चलो माता जी का बुलावा अब आ गया, हम लोग आ गए, तो आप लोगों को भी बुलावा आ जाएगा, तो आप लोग भी जल्दी से आओ। ये देखो यहाँ पर तिरुपति बालाजी, चलो यहाँ पर अपने भोले बाबा शिव जी के भी दर्शन यहाँ पर फिर से हो गए हैं। यहाँ पर नंदी जी देख रहे हो ना, आपको एक ही मंदिर में सारे भगवानों के दर्शन मिल जाएंगे। चलो यहाँ पर गणपति पप्पा मोरिया, गणेश जी के भी दर्शन हो गए हैं यहाँ पर अपने। ये देखो अपने राधा कृष्णा जी, चलो आप लोगों को राधा कृष्ण जी के भी दर्शन करवा दी हूँ मैं। देखो आप लोग तो देख लिए होंगे मंदिर कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी पूजा, और ये तो एकदम दक्षिणेश्वरी गाइस, एकदम दक्षिणेश्वरी मंदिर है, तो मतलब ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं वहाँ जा नहीं पाते, तो वो लोग के लिए यहाँ पर अब सारे धाम अपने तेलंगाना में होंगे। एक बद्रीनाथ धाम भी आ गया, अब दक्षिणेश्वरी भी मंदिर आ गए, तो जल्दी से आओ गाइस, जल्दी से आके दर्शन कीजिए। और गाइस बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में चाहिए जय माता दी या जय काली माँ, कमेंट से सारा भर दो, और आप जितने लोगों को शेयर करेंगे तो उतने लोगों को पता चलेगा, वो सारे लोग आएंगे दर्शन करेंगे, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, और ऐसी हर जो भी जितने भी मंदिर आए वो हम लोग सारे घूमेंगे, आप लोगों को भी घुमाएंगे, आप लोगों को भी पता चलेगा, तो आप लोग भी जाएंगे दर्शन करके आएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बात गाइस, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि पता चलना चाहिए कि अपने हैदराबाद में भी दक्षिणेश्वरी माता जी की मंदिर है बोल के। तो एक रिक्वेस्ट है बस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलो अभी अपन घर निकलते हैं। गाइस यहाँ पर अंबाड़े की भाजी तोड़ रहे, तो मैं इनसे बोल रहा हूँ मुझे भाजी दे दो, तो उनसे मैं भाजी लेने जा रही हूँ, फ्रेश अंबाड़े की भाजी। देखो इतनी सारी भाजी ले लिए हम लोग, अब घर जाके थोड़ी शेयरिंग करना पड़ेगा, इतनी सारी तो अपन नहीं खाएंगे ना? नहीं, अचार डालते शायद। अच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी शेयरिंग करके खाएंगे, नहीं मस्त है ना, फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी अंबाड़े की भाजी। जिसको भी हो ना, मंदिर को आएंगे आप लोग दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से भाजी भी आंटी जी के पास से लेके जाना आप लोग भाजी भी। देखो ये वाली आंटी जी कुछ है, गाइस चेंज लेके आना, चेंज लेके आके दर्शन करना, फ्रेश वाली भाजी तोड़ के लेके जाना। तो चलो अब अपन भी निकलते हैं। ये देखो गाइस हिमायत सागर में कितना सारा पानी है, हम लोग रास्ता में ही था, तो चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा लेंगे, बोले इसका भी एक दिन आएंगे वीडियो बनाने। वाह देख रहा हो ना, सारा लाल लाल पानी।